और अब खबर खौर से है, जहां ईबी न्यूज की तरफ से किसानों की समस्याओं को प्रमुखता के साथ दिखाया जा रहा है। हम आपको बता दें कि नहरों में पानी न आने के कारण किसानों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, जिसके बाद हमारी टीम द्वारा किसानों की समस्याओं को उजागर किया गया, जिसके बाद सिंचाई विभाग द्वारा नहरों में पानी छोड़े जाने के बाद किसानों ने धान की रोपाई का काम तेजी के साथ शुरू कर दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज और मैं रविंद्र सिंह इस वक्त अखनूर के खोर से रिपोर्टिंग कर रहा हूं। और एबी न्यूज के माध्यम से हमने थोड़े दिन पहले भी खबर एक दिखाई थी, प्रशासन तक पहुंचाई थी कि खोर की जितनी भी नहरें हैं उनमें सिंचाई विभाग की तरफ से पानी नहीं छोड़ा जा रहा है। और सिंचाई विभाग अब हरकत में आया है और खोर की हर नहर में पानी इस समय उपलब्ध करवाया गया है सिंचाई विभाग की तरफ से। किसान भी खुश हैं और फसल अगर टाइम पे लग जाए तो किसान हमेशा खुश रहेंगे। लेकिन एक बात और कहना चाहता हूँ कि जितनी भी नहरें हैं खोर ब्लॉक के अंदर, ये कम से कम 40-50 साल पहले बनाई गई थी, इनकी डेवलपमेंट होना बड़ा ज़रूरी है। ये सिंचाई विभाग और प्रशासन को किसानों ने मैसेज दिया है और टाइम पे जब भी फसल का टाइम होता है टाइम पे पानी छोड़ दिया जाए तो किसान हमेशा खुश रहेंगे और किसान कभी भी प्रोटेस्ट नहीं करेंगे और ना ही सड़कों पर उतरेंगे। जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं न्यूज़, मैं देवेंद्र सिंह, कैमरामैन राजवीर के साथ।